सेकेंड डे इन चिविटेविया इटली, आज शाम तक निकलना है हम लोग को, और कल का ब्लॉग हो नहीं पाया, और जो परसों का मैंने ब्लॉग डाला था उसमें किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दिया तो वो भी डिलीट हो गया। तो आज ये ब्लॉग आपको दिखाऊंगा थोड़ा सा व्यू, और वहाँ पे उस साइड सी दिखाता हूँ, सी वाटर मतलब वाटर पास पास ही है, उसका कलर्स डिफरेंट डिफरेंट है, मतलब एक ब्लैक है और दूसरा ब्लू है। तो ये आपको मैं दिखाऊंगा, बाकी आपको दिखाऊंगा कोस्टा की ब्रांड न्यू शिप, लास्ट ईयर ही आई है बट ये अभी तक सेलिंग ही नहीं हुई, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ कोस्टा की शिप, पीछे खड़ी हमारी से देख रहे होंगे आप, ये कोस्टा की ब्रांड न्यू शिप है कोस्टा फ्रेंड्स, ये अभी सेलिंग ही नहीं हुई, जब से ये आई है तब तक सेलिंग ही नहीं हुई, यहाँ पर एक साल हो गया है। और ये देखिए वाटर, देखिए इधर का वाटर कलर कैसा है और आगे का वाटर कैसा है, इधर का ब्लू है और ब्लैक, आगे से देखिए दोनों मिक्स हो जा रहे हैं वहाँ से, उधर से वाटर और इधर का वाटर होते हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। और इधर एक खड़ी है, एक पिंसर की सिप खड़ी हुई है, उसके पीछे और कोस्टा सिप खड़ी हुई है, और बाकी वहाँ पे उसके पीछे भी कोस्टा की इधर मोटर सिप खड़ी है, क्योंकि कोस्टा इटली कंपनी है तो सब इसका होम पोर्ट ही है, मोटर है रोम होम पोर्ट है, आस पास सारी खड़ी हुई है। चलिए फिर दिखाते हैं आपको उधर साइड का व्यू, उधर साइड का। तो आप इधर का व्यू देखिए, हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं आ रही होंगी, यहाँ पे विंडी बहुत है आज और थोड़ा ठंड है इसलिए मैं भी पहना हुआ हूँ। इधर का व्यू देखिए, ये पीछे पहाड़ है उसको बना हुआ है, और ये पूरा सोलर एनर्जी से चलता है, ये पूरा बना हुआ है, और इस सिटी से आप आगे यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आप 45 मिनट का वे है, आप रोम पहुँच जाएंगे, वेटिकन सिटी यहाँ से केवल 45 मिनट दूर है। लास्ट ईयर मैं गया था यहाँ से, बस इस ईयर अभी हम लोग को अलाउड नहीं है बाहर जाना, तो अभी हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो ये दो शिप खड़ी हुई है, ये शिप मोस्टली लगेज के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि इस आइलैंड से आप दूसरे आइलैंड जाएंगे यहाँ पे कोई रोड का ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो ये यहाँ से शिप यूज़ करते हैं, कार इसमें रखेंगे लोग तो बैठ के ही सब पहुँच जाते हैं। और इसके जो आप देख रहे होंगे वहाँ पे सेकेंड हैंड जितने बैठा हुआ सब वहाँ पर मिलते हैं। तो देखिए ट्रेन जा रही है वहाँ पे आगे स्टेशन है उसके, और वो पीछे घर देखिए कितना खूबसूरत बना हुआ है यहाँ पे पूरा। तो मैं आपको रॉयल क्रेवन की सबसे यूनिक चीज़ दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं नॉर्थ स्टार, जैसे आप ऊपर देख रहे होंगे, इसका आप विलीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिलीज का नाम है, ये 17 फ्लोर पे है और 300 फीट और ऊपर जाता है, 300 मीटर और ऊपर जाता है, तो आप सोचिए 317 फ्लोर और 300 मीटर अगेन, मतलब 70 34 अप्रॉक्स, और ये दाएं जाता है बाएं जाता है ऊपर जाएगा चारों दिशाओं में घूमता है। और मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इंस्ट्रक्शन वहाँ पे लिखा हुआ है, पहले मैं आपको उसको शो करता हूँ कैसा है, और फिर मैं आपको ऊपर से दिखा दूँगा, और मैं भी 2 दिन पहले इसके ऊपर गया भी था, तो मैं आपको उसका वीडियो भी सेंड कर दूंगा, इसमें आप देख लीजिएगा कैसा होता है, इसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है करने में। देखिए यहाँ पे इसका सारा लिखा हुआ है 300 फीट 92 मीटर्स सी लेवल, ऑफ द सी लेवल, एंड वाइल द मूविंग टू प्रोवाइड वन ऑफ द करेंट व्यूज, सेंटीमीटर से अबव बच्चे यहाँ जाते हैं, छोटे बच्चे यहाँ पे अलाउड ही नहीं जाना अंदर, ठीक है। देखिए ये 9 स्टार है, यहाँ पे एक स्पोर्ट्स स्टाफ का बंदा यहाँ पे खड़ा होता है, ओपन करेगा और एक अंदर रहेगा विद वॉकी टॉकी, जो इसको मॉनिटर करते हैं उस साइड से, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अदर साइड से मॉनिटर करते हैं, किस जाएगा अंदर 5 और 6 ओनली पर्सन अलाउड इन साइड हेयर। ये देखिए इसको
स्टार्ट करते हैं तो ये शुरू होता है। अरे दिखाता हूँ मैं यहाँ पे कहाँ से मॉनिटर करते हैं, इसके अंदर इसका सारे मशीन वगैरह फिट है इसके अंदर, और वो पीछे जो आप लास्ट में देख रहे होंगे वहाँ से इसको मॉनिटर करते हैं पूरा। तो हम लोग ऊपर हैं अब यहाँ से आप शिप का व्यू देखिए। अभी हम लोग 17 फ्लोर से 300 फीट ऊपर हैं। अब यहाँ से आप प्रॉपर शिप का व्यू देखिए। अब हम लोग जा रहे हैं लेफ्ट में साइड में। अब हम लोग पानी के एकदम ऊपर हैं, शिप के शिप से दूर। अब देखिए यहाँ से व्यू कैसा दिख रहा है, पूरा ऑल एकदम बाहर पानी के पास। दिस इज एक्सपीरियंस, इमेजिन इट्स नाइस दिस वन। पूरा बाहर आ गए हैं। यहाँ से पूरा व्यू देखिए आप, सी व्यू। नाउ ऑलमोस्ट 8:30 हियर, आई वाज फिनिश माय शिफ्ट 7 o'clock। नाउ आई एम गोइंग टू टेक शावर एंड टुडे आई रिमूव माय बियर्ड बिकॉज टुमारो वी नीड टू गो फोटोशॉप, दे विल टेक आवर पिक्चर एंड आफ्टर दैट दे विल प्रोवाइड अ स्मॉल फेस लोगो। We always carrying this face logo in our uniform. This is our new company standard. Because as you know, we are always wearing the face mask. So when Sibyl will start, maybe June, July something. So when guest is coming, so they can at least they can see our face in a logo. That's why company start new standard. That's why I need to remove my beard. But it is okay. Because when I was working in Oberoi, that time we need to shave every day. So, but here is better. At least we can shave after like 1 month, 2 months. Or sometimes if you have full beard, then you can just proper groom your beard. No need to remove all. But as you know, I don't have full beard, so I need to. So I finish shower and shaving also. Almost 11 o'clock here. No time to sleep. So thank you for watching. See you tomorrow in another vlog. Have a good night. Take care.